सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बड़े होंगे। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइस। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारा अगला दिन था वो काफ़ी ज़्यादा लो था। पूरा दिन आलस भरा था, मम्मी के बॉडी में हल्का पेन था, मेरे तो बस हाथ में दर्द था, बस मुझे तो पूरे दिन भर नींद आ रही थी। बट आज मैं फुल एनर्जेटिक हूँ और मम्मी आज थोड़ा सा आज भी लो फील कर रही है, बट बहुत जल्दी सही हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। और ये जो हमारी बहना है, ये वैक्सीन लगाने के दिन भी ऐसी थी, उसके अगले दिन भी ऐसी थी, आज भी ऐसी, बस इनका हाथ में हल्का दर्द था, देख रहे हो। तो गाइस, ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू वैक्सीन लगाने के बाद। कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोली है, बहुत ही नॉर्मल सा होता है फील, हल्का सा फील तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आप सर लगाए बिंदास होके, कुछ नहीं होता है। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 1:30 आफ्टरनून के, लंच का टाइम हो रहा है। इसे बोला था मैंने कि लंच बना दे, इसका तो मन था नहीं, और मम्मी बेचारी रेस्ट कर रही हैं, मम्मी अभी सो रही हैं पीसीएम लेके, थोड़ा सा मम्मी को है ना भारीपन, तो इसका मन था नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने इसको एक आइडिया दिया है। इस प्लान कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम से ना मम्मी का पिज़्ज़ा खाने का मन था, और लिटरली लॉकडाउन के बाद ना मम्मी ने खाया ना हमने खाया ना, तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी को आज स्पेशल फील करा जाए। तो हम दोनों भाई बहन ने कॉन्ट्रीब्यूट करके मम्मी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि मम्मी अभी रेस्ट कर रही है, मम्मी को नहीं पता, तो मम्मी को लग रहा होगा हम एज यूजुअल लंच की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। मम्मी का रिएक्शन देखते हैं क्या होगा, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। सो गाइस, लिटरली मम्मी 2-3 घंटे से रेस्ट कर रही है, तो फिलहाल अभी रेस्ट करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो गाइस, पता है सीन क्या है? सीन ऐसा है ना, वैक्सीन लगाने के बाद नेचुरली आलस आ रहा है, क्योंकि कल मेरे को भी बहुत ज़्यादा था। कल दिन भर ऐसा लग रहा था कि सोता रहूँ, बट जैसे ही रात होने लगी ना, तो मैंने एक पीसीएम ले ली थी दिन के टाइम पे और मैं सो गया था। उसके बाद मैं ऑल गुड, मुझे कुछ नहीं, उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गया था। बट मम्मी को थोड़ा सा है अभी, अब डिपेंड करता ना पर्सन टू पर्सन, किसकी इम्यूनिटी क्या है, किसकी बॉडी में जाके वैक्सीन किस तरीके से रिएक्ट करती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो फिलहाल अभी आज देहरादून में मौसम हो रहा है सुहाना, बारिश ऐसा लग रहा है, काफ़ी ह्यूमिडिटी भी हो रही है, तो देखते हैं, बारिश आ जाए तो अच्छा है। हेलो, भैया जो अंसारी जनरल स्टोर की बगल वाली घर है ना, उसके लास्ट वाले घर पे आ जाओ, ये ज़्यादा तो करते नहीं। थैंक यू भैया, पेमेंट हो गई थी ना? हाँ जी भैया। थैंक यू भैया। सो गाइस, पिज़्ज़ा आ चुका है अभी, और अभी मम्मी को उठाते हैं और मम्मी को सरप्राइज देते हैं। सो गाइस, मम्मी उठ चुकी है यहाँ पर, तो मम्मी आपको पता है आपके लिए हम दोनों ने एक सरप्राइज आया है। क्या? अरे यार, नींद आ रही है आपको भी? आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक्साइटेड हो? क्या है? अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। और गाइस, यहाँ पर आज बारिश भी शुरू हो चुकी है अभी, तो फिलहाल मम्मी को आप मम्मी का सरप्राइज देते हैं। तो मम्मी, ये रहा आपके लिए पिज़्ज़ा। अब आपका बहुत टाइम से मन कर रहा था, इसलिए हमने सोचा पिज़्ज़ा आज पिज़्ज़ा लाते हैं लंच में। हम नहीं बनाया, तुमने तो नहीं, मेरा मन ही नहीं था बनाने का। तो आपको कैसा लगा अभी बताओ, खा के बताएंगे कैसा लगा। मैं तो देखो, मन तो आपका भी था, हमारे भी था, अब मौके पे चौका मारने वाली बात है, तो अभी हम एंजॉय करते हैं, और गाइस आप भी एंजॉय करो। सो गाइस, हम भी एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करो, और आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। Much, much, much later. So guys, मैं सो गया था और लिटरली अब जाके उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है देहरादून में, बारिश जैसा मौसम था लेकिन बारिश तो आई नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये सोच रहा था कि बहुत दिन हो गया आप सभी को मैंने अपना गाना नहीं सुनाया है, तो क्यों ना कुछ गुनगुनाया जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की नहीं, चाहत बातों की नहीं, जब से चैन को मेरे यूं ठगा है। ओ जब सांसे भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू आया दिल को करार आया,
तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। Few moments later. सो गाइस, अभी मैं वर्कआउट खत्म करके आया हूँ। लिटरली 2-3 दिन से वर्कआउट स्किप कर रखा था, बट फिर से शुरू कर दिया है। सो गाइस, आपको गाना कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा एक म्यूज़िक वाला चैनल भी है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक म्यूज़िक वाला चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ज़रूर जाके विजिट करो, और अगर आपको मेरा म्यूज़िक पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल गाइस, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कोई भी राय हो कमेंट ज़रूर करना। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशनुमा ज़िंदगी बिताते रहें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।